हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किचन में। आज हम आपको बताएंगे कि प्याज के पराठे कैसे बनाते हैं। तो ये प्याज के पराठे एकदम ढाबे स्टाइल में हम बनाएंगे, एकदम टेस्टी और एकदम तीखा। प्याज के पराठे बनाने के लिए हमने लिया है आटा, प्याज, हरा मिर्च, जीरा, राई ली है, सौंफ और बेसन। तो दोस्तों, सबसे पहले प्याज को इस तरह से काट लेंगे, एकदम पतला पतला, मोटा नहीं। ऐसे ही हम सारे प्याज को काट लेंगे। तो दोस्तों, हमने सारे प्याज को ऐसे काट लिया है पतला पतला। अब हम इसे अलग करेंगे, ऐसे सारे प्याज को हम अलग करेंगे ऐसे। तो दोस्तों, हमने प्याज को अलग अलग कर लिया है कट करने के बाद। अब हम इसे फिर हरा मिर्चा काटेंगे। आप हरा मिर्चा अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको तीखा जितना पसंद है या तीखा जितना लोग खाना चाहते हो। वैसे मैं चार मिर्चा कट करेंगे छोटे छोटे। उसके बाद हम कढ़ाई में चढ़ाएंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल, 2 चम्मच तेल। अब उसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद राई, सौंफ। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को ठीक है ऐसे चलाते रहेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी, ताकि ये जल्दी से अच्छे से बन जाए। तो हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ मिर्चा। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को तब तक भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा कच्चा पन नहीं निकल जाए। अच्छे से भून लेंगे। हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। आटे को ज़्यादा हम टाइट नहीं गूंथेंगे, जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा को गूंथते हैं वैसे गूंथेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हार्ड होना चाहिए। तो आटा को हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसकी एक एक बॉल को बना के, अब मैंने एक सूखा आटा भी ले रखा है, सूखे आटे को लगा के अच्छे से हम इसे अच्छे से बेलने की सहायता से बेल लेंगे। इस तरह से हम इसे गोल बेल लेंगे। हमने लोई थोड़ी बड़ी ली थी ताकि जो हमारा रोटी है वो थोड़ा बड़ा बेले। उसके बाद हम इसमें और जो हमने प्याज को भून लिया था वो हम ट्रायंगल शेप में इस रोटी पे लगाएंगे, चम्मच से लगाएंगे, बहुत ही आराम से लगाएंगे। चाहे तो कोई भी सेप दे सकते हैं, मैं इसे ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी। हमने इसे अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे ऐसे कवर करेंगे एक एक तरफ से उठा के, दूसरे साइड से भी उठा के, तीसरे तरफ से भी उठा के। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया है, प्याज अच्छे से पैक हो गया है। अब हम इसे सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से फिर से बेलेंगे, एकदम हल्के हाथ से धीरे धीरे। देखिए, हमारा अच्छे से पराठा को हमने अच्छे से इस ट्रायंगल से बेल लिया है। इसे तवा में गर्म हो गया है, इसे तवा पे डाल देंगे। ये हल्के से सिक गई एक तरफ, अब हम इसे पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी सिक जाए। तो
आप देख सकते हैं हमारे कितने फूले फूले से पराठे बन रहे हैं। तो हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ऐसे एक एक करके हम सारे पराठे को बना लेंगे। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी बना है। तो दोस्तों हमारा पराठा, प्याज का पराठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे दिख रहे हैं और कितने टेस्टी, खाने में बहुत टेस्टी है और ये एकदम फूले फूले से बने हुए हैं, एकदम अच्छे। इसे हम दही से सर्व करने वाले हैं। इस रेसिपी को आप घर पर ट्राई जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसी बनी थी आपके घर के भी पराठे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ।